विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाल ही में अमेरिका में हुई भारत अमेरिका वार्ता के दौरान मानवाधिकारों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब भी इस पर बात होगी तो हमें भी अमेरिका समेत दूसरे देशों में इसकी स्थिति पर बोलने का हक है और मौका आने पर हम अपनी बात रखने से नहीं हिचकेंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हुए कुछ हालिया घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। इनमें कुछ सरकारों, पुलिस व जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं। ये बात उन्होंने वार्ता के बाद विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि लोगों को भारत के बारे में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमें भी दूसरे देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर अपना पक्ष रखने का हक है। ब्लिंकन के बयान का कड़ा प्रतिवाद करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच हुई मंत्री स्तरीय वार्ता में मानवाधिकारों का मुद्दा चर्चा का विषय नहीं था। हालांकि पहले यह मुद्दा उठता रहा है, विदेश मंत्री ब्लिंकन जब भारत आए थे तब भी यह मुद्दा उठा था, उस वक्त भी मैंने इस मामले में खुले तौर पर अपनी बात कही थी। भारत में मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिकी आलोचना के जवाब में जयशंकर ने कहा कि लोग भारत के बारे में अपनी बात कह सकते हैं, लॉबी और वोट बैंक के अभियानों के चलते भी ऐसी बातें की जाती हैं। जब भी ऐसी बातें उठती हैं तो हमें भी अपना पक्ष रखने और दूसरे देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाने का अधिकार है। अमेरिका समेत जहां भी हमारे समुदाय के मानवाधिकारों का हनन होगा हम अपनी चिंता जताएंगे। यूक्रेन जंग को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने एएनआई से चर्चा में कहा कि भारत और चीन इस बात पर सहमत हैं कि इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका बातचीत है। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम यूक्रेन के घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी पिछले महीने भारत आए थे, तब हमने अपने विश्लेषण साझा किए थे। हमारा स्पष्ट मानना है कि शत्रुता खत्म करने का एकमात्र रास्ता बातचीत शुरू करना है। यूक्रेन संकट के दौरान भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी है। रूस, चाइना और अब अमेरिका जैसे देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप हमारे मुद्दों पर बोलेंगे, हमारे देश में होने वाले मानवाधिकारों के मसलों पर नजर रखेंगे और उनके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, तो हम भी दुनिया के अन्य देशों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के विषय में बोलेंगे। भारत हमेशा से कहता रहा है कि उसके आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार न तो अमेरिका को है, न ही दुनिया की किसी बड़ी ताकत को है। इसके बावजूद गाये बगाये ये देखा गया है कि अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाता रहा है। अमेरिका की कोशिश होती है कि वो दुनिया में जहां कहीं भी हो अपनी घुसपैठ को दिखाए, अपनी ताकत और अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश करे। भारत ने इस मुलाकात के साथ और इस मुलाकात के बाद भी स्पष्ट कर दिया है, अब किसी तरह का हस्तक्षेप किसी भी ताकत का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।